गाइस ये है अपनी ओकिनावा की न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी एंड बहुत ही प्यारी स्कूटी है भाई लोग। वाओ कितनी प्यारी लग रही है, इसकी हेडलाइट्स बहुत प्यारी है यार, देख सकते हो यार आप। मैं आपको दिखाता हूं ना भाई, तो काफी लंबी है भाई स्कूटी, काफी लंबी है। सब भाई लोग ये अपनी एंटोर का देखो, वो अपनी इलेक्ट्रिक है यार। ये तो खून पीती है और ये तो खून पीती है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सबके सब यार, होप सब अच्छे ही होंगे यार। तो गाइस आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ला रखे हैं, एक अलग ही चीज़, मतलब जो हमारे फ्यूचर में यही चीज़ यूज़ होने वाली है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी जो हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये रही हमारी स्कूटी यार, देख सकते हो आप, ओकिनावा की है, ओकिनावा। एंड बहुत ही अच्छी गाड़ी है यार, अभी इसको लिए हुए हमें एक हफ्ता ही हुआ है, मतलब काफ़ी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी हमने चलाई है 400 कुछ किलोमीटर्स, या देख सकते हो 490 किलोमीटर चला दी हमने। सो गाइस हमें एक हफ्ता हो चुका है इसको चलाते हुए, और यार हमने भी सोचा कि पहले एक बार हम इसको पूरी चला लें फिर आपको दिखाएं। तो यार गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। हमने इसको तीन बैठा के भी चलाई है, ट्रिपलिंग में भी चलाई है, और हमने जैसी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी खड़ी चढ़ाई में भी चढ़ाई, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और 100 किलोमीटर की रेंज है इसकी, वैसे तो कंपनी बोलती है बट 80 दे देती है आराम से, आप सिटी में नॉर्मल चलोगे। और इसमें दो मोड है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्पोर्ट्स मोड है और ये इको मोड है। इको मोड में चलाओगे तो 45 से चलेगी, और स्पोर्ट्स में चलाओगे तो 65 चलेगी। अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करने या कोई चढ़ाई आ रही जहाँ पर चढ़नी पड़े, तो वहाँ के लिए ये वाला मोड है इसमें, ये वाला ग्रीन बटन टर्बो मोड का। इसको दबा के आपको थोड़ी सी 15 सेकंड के लिए आपको थोड़ी सी स्पीड मिल जाएगी, और तेज़ थोड़ा सा पिकअप टाइप का मिल जाएगा। तो मतलब काफ़ी अच्छी स्कूटी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये गाड़ी दिखाई जाए, क्योंकि ये इंडिया का ही ब्रांड है यार भाई लोग। और आप देख सकते हो इसकी लाइटें भी बहुत प्यारी है, देखो ये DRS दिए इन्होंने, और ये हेडलाइट्स है, और मैं आपको हेडलाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ इसकी। ये इसकी हेडलाइट पूरी ऑफ हो चुकी है, और ये देखो ये सिर्फ इसका DRL है जो आप सिर्फ दिन में जला सकते हो, तो ये बहुत प्यारा लगता है, आप ही देख सकते हो। और ये बीच में भी एक इन्होंने दिया है, इसमें DRL है ये भी, और इसकी हेडलाइट्स ये है, हेडलाइट्स भी काफ़ी सही है वैसे उस हिसाब से। और ये साइडों में भी इन्होंने दिया हुआ है इसमें ये फीचर्स एंड सस्पेंशन आ सकते हो, और आगे इसमें अलॉय व्हील दिए हैं भाई लोग, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है अलॉय, मतलब इतनी अच्छी फिनिशिंग है ना इस गाड़ी की यार, इतनी अच्छी फिनिशिंग है। और सस्पेंशन काफ़ी अच्छे, हाइट भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस कितना अच्छा है इसका, काफ़ी ज़्यादा है मतलब उस हिसाब से। तो जैसे जो ये इतने ऑफ रोड भी, हमने इसको ऑफ रोड भी टेस्ट कराया है, तो ऑफ रोड में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने। और इसमें ये आप देख सकते हो इनके, इन्होंने लगाए हुए डिस्क ब्रेक इसमें, जो कि इनकी खुद की कंपनी की है ओकिनावा के। एंड रियर भी डिस्क ब्रेक है इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको, और देख सकते हो रियर आपको दो शॉकर मिल जाते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। और ये रहा इसका डिस्क ब्रेक, आपको दिख रहा होगा, आपको ये दिखा लेते हैं इसके लीवर, ये है एडजस्टेबल, ये आप देख सकते हो एडजस्टेबल लीवर है, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये नीचे होगा देखो, एंड ये आप करोगे तो ये आगे जाएंगे, मतलब ये अपने हाथ के हिसाब से सेट कर सकते हो इसको जहाँ पे आपको चाहिए। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें। एंड बाकी ये देख सकते हो दो ये स्विच दिए वहाँ पे, मैं स्विच दिखा रहा था, ये हेडलाइट के लिए है, ये आपके DRL, ये हेडलाइट वगैरह का ये ऑफ करने के लिए, और ये हॉर्न है, और इस साइड भी आपको हॉर्न मिलता है यहाँ पे। और ये अपने इंडिकेटर्स हैं, आपको इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ मैं, इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे ब्राइट देख सकते हो यार, आपको इतना प्यारा लग रहा है यार, इंडिकेटर्स बहुत ही ब्राइट है ये। और अभी देखो हम कितनी धूप में खड़े हैं एकदम बिल्कुल, काफ़ी ब्राइट है, रात को तो बहुत अच्छी लगती है। और ये इसकी टेल लाइट है जो कि भी ऑफ है, एंड इन्होंने नीचे भी दिया कि यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए, जब नंबर प्लेट लगेगी तब हमें मिलेगी। और बाकी इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छा, और फूट रेस भी यहाँ पे मिलता है आपको देख सकते हो। इसमें एसेसरीज भी थी, हमने एसेसरीज बिल्कुल नहीं ली भाई, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वो, बहुत ही गंदी लगती है हमें। और हमें ये कलर बहुत अच्छा लगा ब्लैक, तो हमने इसीलिए ब्लैक कलर लिया। और ये देखो यहाँ पर डिग्गी मिलती है सामान रखने के लिए, अपने फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और आपको यहाँ पे फ़ोन रखना है, फ़ोन रखते हो थोड़ा छोटा मोटा सामान। और ये आप देखते हो यहाँ पर जो ये बूट स्पेस है ना भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, मतलब इतना स्पेस है कि यहाँ पे आप सिलेंडर भी रखोगे ना, यहाँ पे अगर गैस भी रखोगे अपनी, तो गैस भी बिल्कुल आ जाएगी आराम से देख सकते हो। बाकी मैं आपको डिग्गी दिखाता हूँ, डिग्गी खोलने का सिस्टम ये है, यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस करना है और डिग्गी खुल जाती है। तो डिग्गी में है भाई अपनी बैटरी, यहाँ पे देख सकते हो, और चार्जर भी हमने अंदर रखा है, चार्जर भी आपको दिखाएंगे अभी। तो ये रही बैटरी इसकी भाई, काफ़ी बड़ी बैटरी है, इसको आप निकाल के घर में भी चार्ज कर सकते हो, ये सारी वैसी पोर्टेबल में, आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको ये इसको नीचे प्रेस करके इसको बाहर खींच देना है, तो आप बाहर खींचोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये बैटरी आप हाथ में लेके अंदर रूम में भी चार्ज कर सकते हो। और अगर आपको रूम में चार्ज नहीं करनी है, आपके बाहर मतलब रूम के बाहर ही अगर लगा, और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पे उन्होंने ये ऑन ऑफ के लिए स्विच भी दिया, यहाँ पे यहाँ से आप गाड़ी ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, तो ये आपको दिख रहा है। एंड बाकी तो डिग्गी तो है नहीं भाई इसमें, तो उम्मीद मत रखना कि इसमें डिग्गी मिलेगी आपको। और ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इसे खोल के यहाँ पे चार्ज लगाना आपको। बाकी फूट रेस इसमें अलग से लगाने पड़ते हैं, वैसे इन्होंने फूट रेस के लिए ये स्पेस दिया है, पर ये स्पेस बहुत कम है, बस मुझे यही इसमें एक चीज़ की कमी लगी कि इनको फूट रेस थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था भाई। अगर कंपनी वाले हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो भाई थोड़ा सा फूट रेस लगाओ इसमें एक अच्छा सा, वैसे हम अलग से लगा सकते हैं, अभी हम करेंगे इसमें कुछ जुगाड़, क्योंकि हमको जुगाड़ ही करना पड़ेगा भाई यहाँ पर किसी और गाड़ी का फूट रेस डाल के,
जो ऐसे बाहर को आते से एंटॉक वगैरह में होता है, एक्टिव वगैरह में होता है, तो वैसे टाइप में कुछ करना पड़ेगा अभी हम उसको, अभी हम लगाएंगे कुछ टाइम बाद, देखते हैं कौन सा फिट होगा। एंड बाकी मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी है और इसमें एक फीचर्स है ये आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपने कर दिया हैंडल लॉक इसमें, ये आप ये इसका हैंडल लॉक को चला देखो। तो अब हैंडल लॉक करने वाली इसकी चाबी है, तो जैसे आप कहीं जा रहे हो इधर उधर मार्केट में, अगर कोई आपकी गाड़ी को छेड़ छोड़ रहा है तो पता लग जाएगा, तो आपको ये करना है सिंपली ऑफ। और ये आवाज़ आ चुकी है, आवाज़ सुनी होगी आपने, गाड़ी अब अनलॉक है हमारी। एंड अब जैसे कोई भी आपकी गाड़ी में हाथ भी लगाएगा ऐसे तो ये आवाज़ सुनने लग जाएगी। सो यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो ऐसे। एंड अगर कोई आपकी गाड़ी छेड़ेगा भाई तो आगे पीछे भी नहीं, पिंड जरा आना, ज़रा दिखाओ अभी देखो गाड़ी, भाई मैंने यहाँ से कर दी लॉक, अब गाड़ी देखो, अब गाड़ी तो कोई आपकी चोरेगा आगे आगे करो ना दिखाओ। और ये देखो आवाज़ आ चुकी है, और देखो गाड़ी हो चुकी है भाई लॉक, देखो गाड़ी लॉक है मोटर इसकी। एंड अगर आपके पास गाड़ी की चाबी नहीं है, आप बिना गाड़ी की चाबी के भी इसको चला सकते हो, बस आपको ना यहाँ से इसको गाड़ी का हैंडल लॉक रखना है, यहाँ से अनलॉक रखना है इसको ऐसे। और अभी देखो भाई चाबी नहीं लगी हुई इसकी, और ये हमारे हाथ में है स्विच इसका, तो अभी हमें करना कुछ नहीं, नॉर्मली इसको बस डोर बना है और गाड़ी ऑन है। और देखो यार चाबी हमारे हाथ में और गाड़ी अब चलेगी भाई, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल गाड़ी चलेगी देखो ये। एंड अभी मैं आपको इसकी टॉप स्पीड दिखाता हूँ, तो अभी पहले इसको डालते हैं इको मोड में, यहाँ से देख सकते हो ये रहा इको मोड का, तो ये मैंने कर दिया इको मोड। एंड अभी इसे चला के देखते हैं कितनी टॉप जाती है। सो भाई ये देख सकते हो यार, फोर्टी टू की है टॉप भाई, 42 की टॉप है। एंड इसको स्पोर्ट्स मोड डालेंगे यहाँ से, तो ये चलेगा स्पोर्ट्स मोड यहाँ से, एंड इसे घुमाते हैं। और इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है भाई लोग उस हिसाब से। सो अभी देखते हैं इसको भगा के, मतलब ज़्यादा भगा सकता हूँ यार, पर आगे गाड़ी भी लोग नहीं है तो ज़्यादा भगा नहीं सकते उसके यहाँ पे। सो बढ़िया है काफ़ी इसका सिस्टम, और ये आप देख सकते हो यार। और ब्रेक्स मैं आपको दिखा लेता हूँ, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है इसकी। तो बाकी देख सकते हो इसमें यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है ना, जो भाई लोग देख सकते हो आप टू। तो जैसे मैं ये यहाँ पे ये वाला मोड मारूंगा ना, इसमें देखो जैसे मैं बटन को दबाऊंगा टर्बो का, तो ये आएगा तीन नंबर पे, तो तीन नंबर पे थोड़ा इसको मिल जाता है पिकअप, अच्छा मिल जाता है मतलब एक। तो इन्होंने सिस्टम अच्छा दिया है जैसे आप वैसे जाए, और ये ऑटोमेटिक देखो 15 सेकंड में अपना टू पे आ जाएगा। एंड अगर आप सुपर अगर आप इसको इको मोड में चलाओगे तो इको मोड में ही आ जाएगा वन पे। और ऐसी 42-43 चलती है ज़्यादा उसमें, और जो आपका स्पोर्ट्स मोड है उसमें 60-65 चल लेती है। तो भाई देखो अभी स्कूटी चल रही है हमारी बढ़िया, और हम दो बैठ रखे हैं यार इसमें, देखो वो बड़े आराम से चल बैठ रखे हैं। यहाँ पे लगाओ आगे भाई, यहाँ बहुत ड्यूटी है, कोई बात नहीं लगाओ। सो गाइस अब जो इसके ओनर हैं, अब हम उनसे रिव्यू पूछते हैं जिनकी ये गाड़ी है। तो ये रहे हमारे पिंटो भाई, तो भाई बताइए इस गाड़ी के बारे में कुछ अपने रिव्यू। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये स्कूटी, मतलब सबसे पहले तो ये बात बताओ आप। मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मेरा पर डे का पेट्रोल का खर्चा था 200-250 रुपए का। हाँ हाँ, इसके आने से मेरा 200-250 रुपए पर डे बच रहे हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपका कितना खर्चा आ रहा है? इसमें अभी तक मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है। अच्छा, जब से अच्छा। मैं लिया हूँ स्कूटी, मुझे 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते में 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है। बिजली का 2-3 यूनिट खर्च होता है पर डे का। अच्छा, रोज का? रोज का। इसकी चार्जिंग में टाइम लग जाता है 4 घंटे का। अच्छा अच्छा, फुल चार्ज होने में। बस इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि इसमें ना आपको बार बार बैटरी चेक करनी पड़ती है कि फुल हुआ कि नहीं हुआ, इसमें सिंग देखना पड़ता है। हाँ हाँ। इन्होंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया कि आप घर के अंदर या आप कहीं हो मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप उसको देख लो, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। हाँ, वो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। वो होना मतलब वो होना चाहिए ना कंपनी के पास, होना चाहिए था। ठीक है ठीक है, कंपनी को हम बोलेंगे भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी, और बार बार मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि आपकी बैटरी फुल हुई कि नहीं हुई। ठीक है ठीक है, तो उसमें कोई सिग्नल तो होगा जिससे पता लगता होगा? हाँ, जब आपकी चार्जिंग होती है तो रेड लाइट जलती है, जिससे चार्जिंग आपकी हो जाती है तो ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। फुल फुल पे ग्रीन आ जाएगी बैटरी के अंदर, आपका जो उसके अडॉप्टर में उसमें दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको अभी कैसा लग रहा है, 1 हफ्ते से आप इस गाड़ी को यूज कर रहे हो रोज, तो आपको कैसी लगी गाड़ी, मतलब वैसे स्कूटी के हिसाब से, पेट्रोल के हिसाब से? बहुत अच्छी है, आपको एवरेज भी अच्छी दे रही है। अगर आप सिंगल चलते हो तो आप आराम से 80-90 किलोमीटर चल सकते हो। 80-90 किलोमीटर तो बहुत होता है आराम से। बाकी आप अगर डबलिंग करते हो तो 80 की तरह दे देती है आपको इको और स्पोर्ट मोड में। तो आपको कोई दिक्कत है इसमें, मतलब मुझे अभी फायदे से कोई दिक्कत इसमें तो नहीं आ रही है, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है। अच्छा, फुटरेज की प्रॉब्लम। हाँ, ये फुटरेज वाली भाई भाई मैंने बताई थी, जरा इनको दिखाओ जरा कैसे होता है फुटरेज। देखो अभी ये भैया इसमें बैठेंगे पीछे, पैर आप देखो जगह ही नहीं आपको, या तो आपको पैर ऐसे बाहर निकालनी पड़ेगी या तो आपको ऐसे रखनी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत दिक्कत है, कम्फर्टेबल नहीं होता है बस। और बाकी जो सीट वगैरह कैसी लगी आपको, इसकी हाइट वगैरह? तो काफी अच्छी है, ये आप देख सकते हो भाई लोग, इसमें कुछ बैठने का पोर्शन ऐसा है बिल्कुल आप कंफर्टेबल रख के बैठ सकते हो पाओं को। अभी आपको लग रहा होगा काफी हाइट है, हमको भी पहले ऐसा लगी थी दिन, पर ये ग्राउंड
अच्छा दिया उन्होंने, हाँ, आपको नीचे से टकराने की वो नहीं है। हाँ हाँ वही वही हाइट मैंने वही बताया कि हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी और बाकी दोनों अलग हैं। सो भाई लोग जैसे कि आपने देखा अभी भैया ने हमें बताया इसके बारे में कि चार्जिंग वगैरह का कि 3 से 3.5 घंटे चार्जिंग फुल में लगती है और जब फुल तो ग्रीन लाइट दिखाती है। तो यार मतलब काफ़ी अच्छी स्कूटी है, अगर आप लोगों को भी लेनी हो ना भाई लोग तो आप ले सकते हो ओकिनावा की, बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और ये वैसे हमको पड़ी है 1,16,000 रुपये की भाई, ये हमने EMI में लिया तो हमें इसलिए इतने की पड़ी है। वैसे ये 1,10 के आसपास है, 1,10,000 की ऑन रोड है ये कैश, और इसमें नंबर भी आता है और ये आपको हेलमेट भी देंगे पूरी RTO से है, इसकी RC वारसी सब रहती है, सॉरी मतलब RC एंड इंश्योरेंस सब रहता है इसका पूरा प्रॉपर, जैसे आप नॉर्मली स्कूटर चलाते हो वैसी है ये भी पेट्रोल वाली की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये वही है कि ये इलेक्ट्रिक है तो बाकी तो काफी अच्छा है। एंड मैं आपको जैसे बताना चाह रहा था अभी, तो ट्यूब प्लस टायर है इसमें दोनों के दोनों, आप देख सकते हो टायर ट्यूब प्लस वाले हैं भाई, कोई ट्यूब वगैरह नहीं है। और टायर साइज देखो 90-90-12 टायर साइज है इसका, और मुझे ना भाई ये अलॉय बहुत प्यारा लगा है भाई, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और मुझे ना सस्पेंशन काफी अच्छे लगे इसके, मतलब मैं आपको इसका आगे में मैं आपको उसके 2-3 वीडियोस बना के देंगे, एक ऑफ रोडिंग वाला वीडियो भी बना के दूंगा मैं आपको इसका अगर आप लोग बोलोगे तो। यार आप लोग बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना यार, और कमेंट जरूर करना कि आपको इसमें ऑफ रोड एक वीडियो चाहिए, हम इसको पूरी ऑफ रोड चला के दिखाएंगे आपको, एक टॉप स्पीड वगैरह की भी वीडियो दिखाएंगे कितनी भागती है क्या भागती है, और आपको एक हम सिटी में भी दिखाएंगे इसको चलाते हुए, वो भी जल्दी आएगा इसका व्लॉग। तो पहले मैंने सोचा कि आपको एक रिव्यू दिखाया जाए, एंड अब तो फ्यूचर में यही ज़्यादा चलने वाली है भाई, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भाई बहुत अच्छी स्कूटी है, आपके डेली के मुश्किल से मुश्किल 5-10 रुपये लगेंगे भाई, इससे ज़्यादा आपकी नहीं लगना है, जो आप 80-85 किलोमीटर बहुत होते हैं, तो हम भी इसको चलाते हैं सिटी में, हम भी 2-2 जाते हैं इसमें, तो आराम से ही हमें 80-85 दे देती है। स्पोर्ट्स और इको मोड हम मतलब ये है कि दोनों मोड में चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इको में चला रहे हैं, स्पोर्ट्स इको हम दोनों, जहाँ में स्पोर्ट लगता है वहाँ स्पोर्ट्स एंड जहाँ इको तो वहाँ इको चलाते हैं। तो भाई मुझे तो ये गाड़ी बहुत पसंद आई, अगर आप लोगों को पसंद आई तो यार एक लाइक जरूर करना इसके लिए, बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको ये कैसी लगी स्कूटी, एंड अपने फ्रेंड लोगों से भी शेयर करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी यार पहले मुझे भी लगा था कि क्या स्कूटी है, बेकार स्कूटी है, भाई बहुत सही है, 60 और 65 की स्पीड बहुत है। ये अपनी स्कूटी है, एंड मिलते हैं आपसे यार भाई लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।